सर सोना अलाउ नहीं है, तो हाउ टू सोना मतलब, तो मैं कह रहा गोल्ड नहीं सोना मतलब, गुड नाइट इज नॉट अलाउड, मतलब बहुत मुश्किल से समझा पाया हूँ सर के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज आज है 13 मार्च 2022 और मैं रात को रुका था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। सुबह 8 बजे के आसपास मैं उठ के टहलने लगा और मेरा एक ब्रोकर है वहीं पे, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो उनके पास मेरा नंबर है। तो वो उनने फोन कर भी कि कहाँ हो, तो मैंने कहा बाहर ही हूँ आपके ऑफिस के बाहर ही हूँ। बोले ठीक है। बोले वो तुरंत क्या करा, उन्होंने बोला अभी आ रहा हूँ, तो वो सवारी लेके आ गए कुरुक्षेत्र की। बोले विक्की तुम फटाफट इन्हें बैठा के निकलो यहाँ से, फटाफट इन्हें छोड़ के आओ और पैसे, उनका पैसे बताओ। तो बोले पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, बता दूंगा फोन पे। तो उन्होंने फोन अभी करा मुझे, बोले पैसे इतने मिलेंगे तुम्हें। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो पैसे वैसे तय नहीं करे मैंने उनसे, उन्होंने दिए पैसे, वो ठीक है एकदम, वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, कहीं पे भी बता दूंगा, बीच में वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। तो अभी तो मैं पहुंच गया हूँ ढाबे पे, क्योंकि वहां से बैठा के तुरंत निकल आया था और टाइम मिला नहीं ब्लॉग शूट करने का। तो ढाबे पे आ गया हूँ मैं, अब अंदर जा रहा हूँ, खाना वाना खाऊंगा और दिखाऊंगा मैं अमरीक सुखदेव ढाबा। तो अभी जो टाइम हो रहा है गाइस 10:51 हो रहे हैं, मैं आपको अभी का टाइम दिखा दे रहा हूँ। सुबह ब्लॉग मैंने शूट नहीं करा था, इस वजह से मैं सुबह आपको टाइम नहीं बता पाया। तो अभी 10:51 हो रहा है, 13 मार्च है आज, देख लो लाइव बिल्कुल। तो गाइस अब मैं अमरी सुखदेव ढाबा पे रुका हूँ, यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ अंदर खाना खाने और कस्टमर भी खाना खाने गए, बैग वग सब रखे हुए हैं, देख रहे हो आप। तो होटल का व्यू दिखाता हूँ, अंदर से क्या क्या खाऊंगा वो भी दिखाऊंगा। मिलता है, करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट, गो। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you. तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ मूरथल अमरीक सुखदेव ढाबा पे और मैंने अभी करा है दही, मतलब दही का पराठा ले रहा हूँ, गोभी का पराठा। तो दही तो आ गया, गोभी का पराठा भी आने में टाइम लगेगा, 5 मिनट में आ जाएगा। कस्टमर उधर साइड में खाना खा रहे हैं, मैं भी फटाफट खाना खा के फिर निकलता हूँ यहाँ से। अभी देखते हैं यहाँ का, ये ब्लॉग मेरा फर्स्ट है यहाँ का अमरीक सुखदेव ढाबा का, तो यहाँ का टेस्ट मैं कर चुका हूँ। लेकिन आपके लिए बताऊंगा यहाँ पे गोभी का पराठा मस्त है और यहाँ पे फेमस है व्हाइट वाला मक्खन, अनलिमिटेड है, कितना भी खाओ और कितना भी ले जाओ, अनलिमिटेड फुल भरा हुआ रखा रहता है, जितना चाहो उतना खाओ। तो गाइस अभी मिलते हैं पराठा आने के बाद में, फिर आपको बताएंगे पराठे का स्वाद कैसा है और कैसा लगा। तो गाइस ये हमारा यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ है, स्टाफ खाना खा रहा है। हेलो बोलो भाई। हेलो भाई। ये हमारा बहुत सारा स्टाफ है, पूरा ड्राइवरों का स्टाफ अलग रहता है यहाँ पे, ड्राइवरों के लिए सर्विस एक नंबर मिलती है। मैं जब भी जो ड्राइवर है इधर आते हैं तो मूरथल ढाबे पे ही रुकते हैं। मूरथल ढाबे पे एक बार खाना खाओगे बार बार आओगे, पराठा फेमस है यहाँ का तंदूरी पराठा। तो गाइस पराठा आने के बाद मिलते हैं आप। तो गाइस आ गया हमारा पराठा, एकदम बढ़िया वाला तंदूरी पराठा है। अब मैं लूंगा इसमें मक्खन, मक्खन जितना चाहे उतना ले लो, कोई ज्यादा खा नहीं पाता है लेकिन बस थोड़ा सा ही खा पाता है। बाकी ये अनलिमिटेड है, कोई मना करने वाला नहीं है। और यहाँ के जो मैनेजर अभी मक्खन मक्खन ले लिया मैंने, इतना ही चाहिए मुझे वाइट वाला है। यहाँ पे दही ले लिया, अचार लूंगा, अचार अचार बचार सारा कुछ रहता है यहाँ पे। कभी भी अगर इस साइड आ रहे हो तो मूरथल का खाना जरूर टेस्ट करना है, यहाँ का पराठा फेमस है, लोग दिल्ली से यहाँ पराठा खाने आते हैं। ये भाई भी अचार ले रहे हैं, ये बहुत ही फेमस है भाई यहाँ का, आप भी आइए भाई ट्राई जरूर कीजिए। जब भी कभी ना इस साइड चक्कर लगे आपका खाना खाइए भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो। एक मैंने दाल ले ली है, दाल दही और अचार बहुत सारे। यहाँ पे मेरे हिसाब है पूरे स्टाफ का ध्यान रखते हैं, बढ़िया से बढ़िया सर्विस देते हैं स्टाफ के लिए। जो भी ड्राइवर भाई इधर आए ना तो एक बार मूरथल का खाना जरूर ट्राई करो, यहाँ पे मिलेंगे। मैंने एक आपका नाम राजेश कुमार सर है, ये केवल हमारे ड्राइवर भाइयों का ध्यान रखते हैं यहाँ पे होटल पे। कभी भी आओ एक बार यहाँ का खाना
ट्राई करो। और कस्टमर को रेफर कर रहे हैं यहाँ के लिए तो बेफिक्र कर दो, कस्टमर यहाँ खाना खाने के बाद ना तो कर ही नहीं सकता। जब हमें पसंद आ रहा है तो कस्टमर को भी पसंद आएगा। अब मैं ये पराठा फटाफट फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा, फिर निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस मैं तो खाना खा के आ गया, अब बाहर मैंने वीडियो मैंने बोला बाहर का व्यू दिखाऊंगा, बाहर का व्यू इसलिए नहीं दिखाया, वहां पे म्यूजिक बजता रहता है और म्यूजिक बजता है तो म्यूजिक अगर आ जाएगा इसमें ना तो कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब पे, तो मैंने बाहर का वीडियो नहीं शूट करा, पहले जो दिखाया वो दिखा दिया। अभी गाड़ी में आके आराम कर रहा हूँ, कस्टमर अभी आ रहे हैं। सो गाइस अभी मैंने इन्हें कुरुक्षेत्र छोड़ा, अब बताता हूँ इनके बारे में। ये सारे स्टूडेंट हैं और ये मैच वैच के लिए जा रहे हैं शायद कुरुक्षेत्र, और ये पता नहीं कहीं बाहर के हैं, मतलब इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, डिफिकल्ट है, तमिल पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, मुझे लैंग्वेज का नाम भी नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में मैं बात कर रहा हूँ, टूटी फूटी हिंदी में वो बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे का काम चल रहा है फिलहाल। और मैं अमरीश सुखदेव ढाबा के सामने ही खड़ा हूँ मूर्थल में, अब तकरीबन मैं पहुंच जाऊंगा 2 बजे तक पहुंच पाऊंगा, मैं देखता हूँ कितने बजे का टाइम दिखा रहा है मुझे, 2 बजे तक ही पहुंच पाऊंगा मैं तकरीबन, हाँ 1:25 का टाइम दिखा रहा है और अभी 111 किलोमीटर है, 2 घंटे 9 मिनट और लगेंगे यहाँ से जहाँ खड़ा हूँ मैं अमरीश कुदे ढाबा पे। सो गाइस कस्टमर खाना खा के आ जाएं फिर यहाँ से निकल जाएंगे फटाफट, अब उधर से बुकिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, उधर से खाली आऊंगा क्या होगा सारा कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब मेरे चेहरे पे मिलेगी आपको मुस्कुराहट क्योंकि मेरे मुंह के छाले में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और दवाई मैंने खा ली है, अभी भी खाई है दवाई, और ये वाली दवाई मैं कल की वीडियो में बताया था, आज की वीडियो में बता रहा हूँ, जिसको कोई दिक्कत हो तो भाई ये वाली भी दवाई खा लेना, इसका नाम नोट कर लो, ये दवाई मेरे को बहुत फायदा किया है इस दवाई ने, तो मुझे पता है कितनी परेशानी हो गई थी, मैंने 2 ब्लॉग शूट करके दिए हैं आपके लिए, वो कितनी परेशानी में दिए हैं, लेकिन आप मेरी परेशानी समझ रहे हो मुझे पता है, तभी मुझे भरपूर प्यार दे रहे हो। अब बातें हो गई बहुत, अब मिलते हैं हम इन्हें ड्रॉप करने के बाद। सो गाइस टाइम हो गया 1:32 और मैं पहुंच गया हूँ कुरुक्षेत्र, सर को मैं ड्रॉप करूंगा वहां पे और उसके बाद फिर मैं यहाँ से खाली जाऊंगा दिल्ली या फिर यहीं रुकूंगा, वेट करूंगा दूसरी बुकिंग का, वो तो सब बाद में डिसाइड करूंगा, तो सर को ड्रॉप करने वाला हूँ ओनली 10 मिनट्स के बाद में। तो अभी मैं सर से इंट्रो कराता हूँ, सर कहाँ से आए हैं और क्या मतलब कौन है ये सारा कुछ बताएंगे। सो सर इन द कोच से हाय हाय और इन ऑल द प्लेयर, सो व्हाट्स योर नेम सर? आई एम तंगवेल। तंगवेल ना, तंगवेल सर इन द प्लेयर्स नागेंद्रन ऑल प्लेस इन द फुल कार इन द सर हाउ टू द पर्पस इन कुरुक्षेत्र कमिंग फ्रॉम कराटे टूर्नामेंट ऑल इंडिया टूर्नामेंट यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट टूर्नामेंट है यहाँ पे। मैं तो इंग्लिश में टूटी फूटी है, समझ नहीं पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, सर बता रहे हैं अपनी लैंग्वेज में तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे टूर्नामेंट है तो वेयर इज फ्रॉम? चेन्नई अन्ना यूनिवर्सिटी। चेन्नई तमिलनाडु तमिलनाडु से आए सर चेन्नई से, और यूनिवर्सिटी है कोई क्या यूनिवर्सिटी? अन्ना यूनिवर्सिटी अन्ना यूनिवर्सिटी से आए सर और कुरुक्षेत्र में इनका टूर्नामेंट है। सो इन्होंने मेरे को नई दिल्ली से हायर किया था, कुरुक्षेत्र ड्रॉप है इनका, अभी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा सर के लिए, ज्यादा बात मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी ये सर को आगे जो प्लेयर है इन्हें नींद आ रही थी तो मैं काफी देर में समझा पाया सर के लिए कि आगे सोना अलाउड नहीं है। मैं समझाऊ तो समझाऊ कैसे, मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है और से मैं कह रहा हूँ सर सोना अलाउ नहीं है तो हाउ टू सोना मतलब, तो मैं कह रहा हूँ गोल्ड नहीं सोना मतलब गुड नाइट इज नॉट अलाउड, मैं तो बहुत मुश्किल से समझा पाया हूँ सर के लिए। सो गाइस अभी मेरा ड्रॉप है कुछ ही देर के बाद में और ड्रॉप करने के फिर बाद में मिलता हूँ आपके लिए। सो हाय बाय बाय। सो गाइस टाइम हो गया 2:31 और मैं कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है, ऐसे इधर ही घूमने आया था मैं, तो कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है मुझे, मैं दिखा रहा हूँ आपने, पता नहीं कोई डाम पाम बनी हुई है कुछ इस तरह का है पूरा बना हुआ। मैं देखो सावित्री घाट है दिख रहा है ना, मैं आपको उस वाले कैमरे से दिखा रहा हूँ। सो गाइस कुछ इसी तरह से बना हुआ है, सावित्री घाट लिखा हुआ है यहाँ पे, पानी बहुत साफ है बहुत दूर दूर तक।
लाइटिंग वाइटिंग है, रात में लाइटिंग बहुत मस्त लगती होगी। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, ये वाली है, ऊपर घूम रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पास में तो यूनिवर्सिटी के बच्चे घूम रहे हैं खूब। सो कुछ ऐसा ही है दिखाने के लायक, कुछ ज़्यादा है नहीं, ऐसे ही माहौल हो रहा है। तो अभी चल रहे हैं गाड़ी की तरफ, देखते हैं कोई काम वाम मिलेगा या दिल्ली खाली जाना पड़ेगा, कैसा क्या रहेगा सारा कुछ बताएंगे। ऐसे कुछ है, इधर देखो, इधर ये देखो, दूर तक बना हुआ है, इधर भी दूर तक बना हुआ है। सो गाइस मिलते हैं हम आगे जाके। सो गाइस टाइम हो गया 5:57 और मैं कुरुक्षेत्र ड्रॉप करके वहां रुका नहीं, मुझे पता था ड्यूटी नहीं बजेगा तो मैं दिल्ली की तरफ निकल गया खाली। तो जैसे ही मैं करनाल बाईपास पहुंचा, करनाल पे पहुंचा तो करनाल के पास एक ड्यूटी बजी मेरे को मिनी की रोहतक की, तो वो रोहतक की तो मैंने नहीं एक्सेप्ट करी। उसके बाद एक प्राइम की ड्यूटी आई दिल्ली की, वो भी आउट स्टेशन की थी, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर ली और फटाफट से पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया। और वो सर को मैंने पिकअप करा, वही सर है ये जो मेरे पास प्राइम की ड्यूटी आई थी। तो सर से मैं कांटेक्ट कराता हूँ आपका, क्या नाम है सर आपका? अजय सर है, इन्हें दिल्ली जाना था करनाल से और प्राइम में ड्यूटी आई थी। क्योंकि पता अगर आप आपकी सडान है या एसयूवी है या फिर मिनी गाड़ी है, आपकी गाड़ी पे कोई भी ड्यूटी आ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी बड़ी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी की ड्यूटी देगा ओला, तो इसमें मिनी की भी ड्यूटी दे रहा था, प्राइम की भी दे रहा था। तो अभी मैं पिकअप करके निकल गया हूँ, रास्ते में ही हूँ, बस हाफ रास्ते पहुंच गया हूँ। टाइम मुझे तकरीबन 2 घंटे का और दिखा रहा है, और सर को ड्रॉप करके फिर मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस ट्रिप में सर का कितना चार्ज लगा, कितना कमीशन ओला ने लिया, कितना मुझे दिया है, फुल एंड फाइनल बताऊंगा। मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा वहां पे। सो गाइस मिलते हैं हम ड्रॉप करने के बाद में। सो गाइस टाइम हो गया है 7:25 और मैं पहुंच गया हूँ कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पर। ड्रॉप मैंने कर दिया, कस्टमर का बिल आया है 2121 रुपए। ब्राइटनेस कम करके मैं दिखा देता हूँ आपके लिए, 2121 रुपए कस्टमर का बिल है। मैं ट्रिप आपके सामने एंड कर रहा हूँ। कस्टमर बढ़िया थे, 5-स्टार रेटिंग कुछ इस तरह दे दी मैंने। अब ये मैं और पेमेंट कहने लगा, सेल्फी मांगने लगा इतना बड़ा। सो गाइस मैंने सेल्फी दे दी और इसमें फेयर मिला मुझे 1498 रुपए। गाड़ी चली है 112 किलोमीटर, 3:03 लगा इसमें, 3:03। ये देख लो फुल इन्फॉर्मेशन गाइस। और जो मैं ड्यूटी ले गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो दी थी उन्होंने, कुरुक्षेत्र की ड्यूटी थी, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुरुक्षेत्र की ड्यूटी थी, वो ड्यूटी थी 5200 रुपए की गाइस। तो 5200 और आप ये लगा लो, ये कितना हो रहा है, 5200 और 1500। सो गाइस 5200 प्लस 1500 पूरा लगा लेते हैं, 6700 रुपए का आज का काम हुआ है। और आप लगा लो खर्चा बर्चा जो मैंने बताया, सीएनजी पेट्रोल सारा कुछ इसी में है, टोल उस वाले का इसी में है सारा कुछ। इसका टोल तो मैंने कस्टमर से अलग से ले लिया था, उधर का इधर वाले का, फिर सारा कुछ यही इसी में है। ईएमआई वगैरह काम वाम सब इसी में है। खर्चा बर्चा अपने आप निकाल लेना। काम मेरा 6700 का है आज का, संडे का दिन था, आज काम थोड़ा ठीक हुआ लेकिन आज दिक्कत फिर होने लगी। फिर मैं जिम में थोड़े छाले से दिख रहे हैं मुझे, तो पता नहीं ये कब तक चलेगा। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, अगला ब्लॉग देखना ना भूले। और लास्ट में यही बोलूंगा, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।